नमस्कार, स्वागत है आपका माय नेशन के 100 सेकंड्स में। मेरा नाम है अमल चौधरी और आइए देखते हैं दिन के कुछ मुख्य समाचार। जेएनयू हिंसा मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने कहा है कि हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष समेत 9 सदस्यों की पहचान कर ली गई है। पुलिस के अनुसार जल्द ही इन लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जाएगा। बेंगलुरु में कार्यक्रम के दौरान स्मृति ईरानी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दीपिका जेएनयू में उन लोगों के साथ खड़ी हुई हैं जो हर सीआरपीएफ जवान की मौत पर जश्न मनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में इंटरनेट पर 5 महीने 4 दिन से जारी रोक और वहां लागू धारा 144 पर शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार से सभी पाबंदियों की 7 दिन के अंदर समीक्षा करने और इसके आदेश को सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और चंडीगढ़ में शुक्रवार को भी शीतलहर की स्थिति बनी रही। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार को वाराणसी पहुंची। प्रियंका ने कहा कि सरकार ने जो किया है वो संविधान को तोड़ने वाला, देश को तोड़ने वाला है। बच्चे इसके खिलाफ खड़े हुए हैं और मैं उनकी आभारी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नीति आयोग में 40 से ज्यादा अर्थशास्त्रियों और इंडस्ट्री के विशेषज्ञों के साथ बातचीत की थी। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री को किसानों और छोटे कारोबारियों की कोई चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचेंगे। इस दौरान भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई से उनकी मुलाकात संभव है। भारतीय श्रीलंका के बीच 3 T20 मैचेस की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच में शुक्रवार को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। माय नेशन के 100 सेकंड्स में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य खबरों और वीडियोस के लिए बने रहिए माय नेशन के साथ।